और एक और फनी चीज दिखाऊं, और हमने चप्पल भी नहीं पहनी है, हमने चप्पल खरीद ले जाएंगे। किसी ने चप्पल नहीं पहना, नॉट इवन मी। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम इज 11:30 एट द मॉर्निंग, सो दिस इज द डे टू। आर्टिनरी का प्लान कुछ और ही था, बट यहाँ के हम एग्जीक्यूशन कुछ और ही कर रहे हैं। ब्लॉग का स्टार्ट करते घर से, तो घर पे मिलते हैं। वेलकम फ्रॉम कैंडोले। एज यू कैन सी, आंखें अभी भी खुल नहीं रही है। वाई आई एम दैट मच टायर्ड, बिकॉज बेलगाम तक 300 किलोमीटर करने में हाईवे में बिल्कुल भी टायर्ड नहीं लगता है। एकदम से 120-130 की स्पीड पे हम लोग आराम से पहुंच गए। वी टुक अ चोरला घाट का रोड एंड दैट वाज लाइक मेसी। इतना गंदा रोड था कि वो 90 किलोमीटर कवर करने में हमको ऑलमोस्ट लग गए तीन से चार घंटे। तो हम लोग 2:30 यहाँ पे पहुँचे। पहुँचने के बाद थोड़ा कुछ खाना खाया, सो गए, फिर उठने की किसी में हिम्मत नहीं थी। जो उठे रात को सीधा 10 बजे, दैट्स द रीज़न मैंने कल का ब्लॉग भी एंड नहीं किया। ये आंखें छुपाने के लिए बेस्ट पार्ट, शेड्स पहन लो। संकेत, हेलो संकेत, कल का एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत वर्स्ट था एक्सपीरियंस कल का। एक्चुअली घाट में बहुत मुश्किल हुआ हमारे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा रास्ता अच्छा था, बीच बीच में कुछ ख़राब रास्ता था। एक बार तो हम गाड़ी को टकराने वाले थे एक्चुअली, मगर उदय ने अच्छा सा डिसीजन लेके वो गाड़ी को क्रॉस किया, नहीं तो फिर हमारा करेक्शन होने वाला था। मगर एंड ही वाज द पिलियन फ्रॉम पुणे टू गोवा, या सो दैट्स व्हाई आई एम पर्टिकुलरली आस्किंग हिज एक्सपीरियंस। बहुत बाकी रोड तो अच्छा था, जब हम पुणे से निकले थे तो एकदम मस्त रोड था, कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। बीच बीच में थोड़ा सा गैप खराब था, मगर वो भी कुछ इतना भी ख़राब नहीं था कि भाई ना गाड़ी ना चला सके बाद में। मगर जब हम घाट उतर रहे थे नीचे से, तो वो पास थोड़ा बहुत बहुत ख़राब था, यानी गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा था। तो 90 किलोमीटर्स करने के लिए हम लोग को अप्रॉक्स लग गए 3.5 आवर्स। हाँ, वहाँ तक हम जल्दी आ गए थे, मगर जब घाट उतर रहे थे नीचे, उस गैप को हमें कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगा। तो बाकी राइडिंग फर्स्ट क्लास रही। तो अभी पास्ता खा रहे, ब्रेकफास्ट हमारा 10 बजे, ऑलमोस्ट 8 बजे रेडी होके निकलने का प्लान था, बट कोई उठा ही नहीं जल्दी। इनफैक्ट मैं भी लेट ही उठा हूँ। उदय को थोड़ा सा बुखार जैसा लग रहा है, तो सुशांत उसको लेके गया है मेडिकल कुछ दवाई लेने के लिए। आज का प्लान पैलोलिम जाने का था, बट काफ़ी लोकल लोगों ने बताया कि पैलोलिम में अभी पहले जैसा कुछ है नहीं। बोट राइड ही करना है तो कहीं और बीचेस पे भी जा सकते हो, सिर्फ वहाँ पे क्लीन वाटर है, बोट राइड है, उसके लिए मत जाओ इतना दूर। 90 किलोमीटर्स ट्रैवल वन वे। व्हाट वी हैव डिसाइडेड टुडे इज वी आर गोइंग टू कॉल्ड तेवर आइलैंड, या ऐसा कुछ है। एक मिनट, निखिल को नाम पता है। दिस इज निखिल। निखिल, कल राइडिंग में कैसा? काफ़ी मज़ा आया राइड में तो, लेकिन थकान भी उतनी ही आई। और पहली राइड थी इतनी लंबी। हाँ, हम पहली बार मिले थे विंड मिल फार्म्स, हम लोग गए हुए थे चालकेवाड़ी विंड मिल फार्म्स, तो वहाँ पे मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। तो उसके बाद ये लोग काफ़ी टाइम तक मेरे को अप्रोच कर रहे थे कि भाई राइड पे आया करो, बट मेरा टाइमिंग मैच हो ही नहीं पाता था। तो फाइनली अभी लॉन्ग राइड पे हम लोग साथ में आए, मुझे तो बहुत मज़ा आया। सुशांत और उदय हमेशा गाड़ी भगाते रहते हैं, तो वो लोग सीन में, फ्रेम में, कैमरा में कहीं आपको दिखेंगे भी नहीं। मैं और निखिल हमेशा साथ में 110-120 की स्पीड पे आराम से आए, मज़ा आई। तो अभी प्लान था पैलोलिम जाने का, बट वो कैंसिल हो चुका है। सो वी आर गोइंग टू कौन सा आइलैंड? दीवार आइलैंड। दीवार के तेवर? दीवार आइलैंड ऐसा ही कुछ, डोंट कोट मी ऑन दैट, गूगल पे देख लूँगा। तो अभी 8 बजे निकलने का प्लान था, बट अभी 10 बज चुके हैं, तो फटाफट रेडी होते हैं और फिर आई सी यू ऑन द बाइक। ऑलराइट, सो वी आर ऑल सेट, रेडी टू गो। 463 किलोमीटर अभी तक हुआ है इन टोटल। पेट्रोल है तो जब डलवाएंगे ट्रिप टू रिसेट कर देंगे। सो वी आर टेकिंग 3 बाइक्स, क्योंकि 5 ही लोग हैं तो डबल डबल सीट आ जाएगा। निखिल का बाइक हो गया पंक्चर,
जो हमको अभी सुबह ही नोटिस हुआ, तो अभी निकालते बैठेंगे तो टाइम वेस्ट है, तो बेटर है वहाँ से रिटर्न आते टाइम किसी मैकेनिक को लेके आएंगे या तो फिर बाइक आसपास कहीं लेके जाएंगे। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स देवार आइलैंड नाउ, विच इज शोइंग इन द मैप 40 मिनट्स। लेट्स सी अभी ट्रैफिक की वजह से कितना टाइम लगता है। चलो, सो वी हैव लेफ्ट फ्रॉम द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग। यहाँ से कुछ 19 किलोमीटर्स है देवार, क्या था वो, देवार आइलैंड। क्या बात है, गोवा की सड़कों पे मोटर व्लॉगिंग, मज़ा आ गया। ये रोड बेसिकली जाता है पंजिम की तरफ, तो शायद पंजिम से ही कोई ब्रिज क्रॉस करके उस आइलैंड तक पहुंचना है। एंड द बेस्ट पार्ट इज वहाँ पे जाके आपको बाइक आपका चढ़ाना पड़ेगा एक फेरी में, जो आपको पहुंचाएगी फ्रॉम साइड ए टू साइड बी, बिकॉज देर इज नो रोड टू रीच दैट आइलैंड, यू हैव टू गो बाय सी ओनली। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट, एंड इफ यू आर अ मोटरसाइकिल एंथुसियास्ट देन यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। मूवीज में देखा था बाइक फेरी पर चढ़ाते हैं यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं, विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग। रोड छोटे छोटे ही है बट एकदम अच्छे हैं, इन अ गुड कंडीशन, आई मीन टू से नॉट सो मच ऑफ पॉट होल्स। ओ हो भाई साहब, कौन सा गाड़ी है ये, रिज मॉडिफाई किया है, नाइस। काफ़ी शौकीन है भाई। आई फॉरगॉट टू टेक यू गाइस थ्रू द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग। इट्स अ 2 BHK अपार्टमेंट, मदेरा मैंशन करके, वी हैव बुक दैट प्लेस फ्रॉम एयरबीएनबी और उस पर काफ़ी चीप रेट में हमको मिला। इट्स लाइक 5,400 rupees फॉर 5 पीपल 2 BHK हाउस, विच इंक्लूड्स 2 AC rooms, नाइस बालकनी, टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, कॉफ़ी मेकर, विच इज़ गुड इनफ राइट, गीजर गर्म पानी के लिए, विच इज़ वेरी गुड डील इन अ वेरी चीप प्राइस आई वुड से। सो निखिल का बाइक पंक्चर्ड है, सो निखिल इज सिटिंग बिहाइंड मी, एंड थैंक गॉड मैंने वो बैक रेस्ट भी लगा लिया था, सो ही इज़ मोर कम्फर्टेबल नाउ, इवन एनी पिलियन वुड बी कम्फर्टेबल विद द बैक रेस्ट। विदाउट बैक रेस्ट क्या होता है ना, एक तो पीछे का सीट इतना ब्रॉड नहीं है, थोड़ा सा ही है, मतलब विच इज़ गुड इनफ, आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग, बट द थिंग इज व्हेन यू आर राइडिंग द बाइक और कोई पिलियन बैठा है पीछे, तो वो एक कॉन्शियसनेस होता है, बिकॉज द बाइक हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ आई मीन इनफ पावर। आई बॉट दिस बैक रेस्ट फ्रॉम SVS मोटर वर्ल्ड फॉर वेरी गुड डील, दे गेव मी सम डिस्काउंट एज वेल। तो जब भी आप गाड़ी भगाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अगर एकदम से ऐसे थ्रॉटल दिया, तो पीछे वाला बंदा एकदम कंफर्टेबली बैठ सकता है और राइडर को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भाई तू भगा, पीछे गिर गिर नहीं जाएगा। सो वी आर नॉट वेयरिंग आर राइडिंग जैकेट्स ऑब्वियसली, बिकॉज वी आर रनिंग अराउंड द सिटी, बट हेलमेट इज कंपल्सरी आई गेस हियर, और अगर नहीं भी है तब भी सेफ्टी इज इम्पॉर्टेंट, सो वी हैव कैरीज आवर हेलमेट्स, एटलीस्ट राइडर्स पिलियन का तो फिर भी ठीक है, इतना 40-50 की स्पीड से आगे जा नहीं रहे, सो बाइक इज एट इनफ स्पीड टू कंट्रोल। सो निखिल इज माई नेविगेटर टुडे, सो ही इज सिटिंग बिहाइंड एंड वॉचिंग द मैप एंड गाइडिंग मी लेफ्ट एंड राइट। अच्छा यहाँ पे ये शायद जा रहा है, वाह मैन दिस इज ब्यूटीफुल। सो इस फेरी में गाड़ी लोड करके ये पहुँचाएंगे आगे वाले आइलैंड पे, जहाँ वहाँ पे एंट्रेंस है शायद, और कई अलग अलग जगह पे भी हो सकता है। तो अभी रेट बता करना है कितना है क्या है, देन विल बोर्ड ऑन द फेरी। जिजाई मरीन सर्विसेज,
2009. So this is the ferry for today. And the best part is this is totally free. यहाँ से वो वाले आइलैंड तक ले जाने के लिए. काफ़ी स्टिफ है, ऑब्वियसली आइलैंड है, घर बने हुए यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते भी हैं, तो शायद इसीलिए 24/7 फेरीज चलती रहती है वहाँ पे, क्योंकि देर इज नो रोड फ्रॉम देयर. किसी को रात में इमरजेंसी होता होगा, कुछ होगा, लाइफ इज नॉट दैट इजी मैन. सो वी आर एट दीवार आइलैंड और यहाँ पे बी फ्रैंक देखने के लिए एक चर्च है सिर्फ, और कुछ है नहीं. Which is Saint Jude's Jazz नाम से एक चर्च है. आप गूगल पे सर्च कर लेना, डोंट कोट मी ऑन द प्रोनाउंसिएशन. सो दिस इज द चर्च. कुछ वो भी बंद है, अंदर नहीं जाने दे रहे. वहाँ पे एक कब्रिस्तान है, बट आई वॉन्ट शूट इट बिकॉज ऑब्वियसली सेंटिमेंट होता है लोगों के, शूट करना इज नॉट अ गुड थिंग. सो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं. सो यहाँ से हम लोग अभी प्लान कर ले दोबारा कैंदोलिम जाके, कैंदोलिम बीच पे चिल आउट करेंगे या फिर अंजुना. बट अंजुना का सनसेट बड़ा प्यारा होता है ये सुना है. तो अभी ये टाइम पे तो सनसेट होने से रहा, 12:15 बज रहा है. सो अभी कैंदोलिम जाएंगे, बीच पे बैठेंगे, शैक्स में बैठेंगे, खाएंगे और उसके बाद फिर विल हेड टुवर्ड्स अंजुना और समवेयर एल्स. आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड. सर प्रॉपर इंफॉर्मेटिव व्लॉग बनाना चाह रहा हूँ बट यहाँ पे कुछ है नहीं बताने लायक. सो दिस इज इट फ्रॉम दीवार आइलैंड. हेलो, सुशांत इज हियर डूइंग बुली. आइलैंड यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ पता ही नहीं चलता है. इफ यू गाइस आर कमिंग टू गोवा एंड प्लानिंग टू विजिट द दीवार आइलैंड, देन फ्रेंकली स्पीकिंग यहाँ पे कुछ है नहीं, बस एक फेरी राइड और एक चर्च है, जो चर्च भी बंद है, अंदर आपको जाने नहीं मिलेगा. सो बाहर से सिर्फ चर्च देखो, फोटोज खींचो एंड देन हेड बैक. एक घंटे के अंदर आप ये पार्ट कवर हो जाएगा, दैट्स इट. ऑलराइट, सो वी आर हेडिंग बैक टुवर्ड्स द होटल. कुछ खाएंगे एंड देन थोड़ा देर आराम करके देन विल गो टू अंजुना और कैंदोलिम. सो वी आर गोइंग ऑन बीच कैंदोलिम. ये लोग साले गाली देंगे मेरे को, बोलेंगे हमेशा लेट होता है. और एक और फनी चीज दिखाऊं, और हमने चप्पल भी नहीं पहनी है, हम चप्पल फिर भी जाएंगे. किसी ने चप्पल नहीं पहना. Not even me. Because we are going to buy some slippers for us. Because beach पे obviously shoes वगैरह खराब हो जाते हैं, तो इस वजह से. Hello. I'm the pillion today. Sushant is riding. पीछे उदय है. We are not taking the helmet because it's just 1 kilometer from our flat. चल के भी जा सकते थे, बाइक इसलिए ले रहे क्योंकि अगर कुछ प्लान बना कहीं और जाने का तो वहीं से निकल सकते हैं. मेरे को चाहिए 9 नंबर. मुझे भी
कितने का है वो? और कितने का है? We have got the slippers and we have reached Candolim Beach. आपको पता है हर एक बीच पे ना एक कॉमन सी चीज़ होती है और वो है पीस। इस पीस के चक्कर में लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं। ये वक्त जो है ना इस टाइम लैप्स की तरह है, कब निकल गया समझ में ही नहीं आया। इट्स जस्ट अनदर डे स्पेंट इन गोवा विथ माई फ्रेंड्स वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल सनसेट। वट एल्स यू वॉन्ट। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर कल एक नया व्लॉग आएगा, एक नए दिन की शुरुआत। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, अभी दो व्लॉग्स और आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। टिल देन यू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।